स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीजे एजुकेशन में। आज हम फॉरेस्ट गार्ड कनेस्टिस एक्ट का प्रैक्टिस सेट थर्ड करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा इतिहासकार सबल्टर्न अध्ययनों में अपने योगदान के लिए सुप्रसिद्ध है? सुमित सरकार, रंजीत गुहा, रामचंद्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंजीत गुहा। 1 नवंबर 1939 को कांग्रेस नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल के त्यागपत्र को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया था? तो ये मनाया था फुलफिलमेंट डे या इमेंसिपेशन डे या फ्रीडम डे या डिलीवरेंस डे। तो ये मनाया था इमेंसिपेशन डे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्थानीय वित्त योजना किसने लागू की? तो ये की आपकी लॉर्ड मेयो ने। ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ध्वनि के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है किसका? जल का, ध्वनि का, मृदा का या हवा का? तो ये है हवा का। कश्मीर घाटी को सिंधु नदी घाटी से कौन सी श्रेणियां पृथक करती है? तो ये करती है आपकी बृहद हिमालय श्रेणियां। निम्नलिखित में से कौन सी विधि किसी क्षेत्र में विभिन्न भूमि उपयोगों के अनुपातों को निरूपित करती है? तो ये करती है आपकी पाई आरेख। क्वेश्चन नंबर 8, 10 राजाओं का युद्ध निम्नलिखित किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका पर्युषणी नदी के तट पर। प्रथम भारतीय रियासत राज्य जिसने भारत संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे आपके बीकानेर। और एक हिंदी का सवाल यहाँ से बनता है कि हस्ताक्षर कैसा वर्ड है? तो ये आपका है बहुवचन। कैसा है? बहुवचन। सन 1947 में भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को चिन्हित करने का दायित्व किस कमीशन को सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था आपका ऑप्शन बी रेडक्लिफ। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन है? बी आर अम्बेडकर, साहू महाराज, ई वी रामास्वामी नायकर या एम सी राजा? तो ये है एम सी राजा। आर्य समाज आंदोलन विश्वास करता था? ये करता था वैदिक कर्मकांड पर। शिव प्रसाद डबराल कौन है? इतिहासकार नहीं, राजनीतिज्ञ नहीं, खिलाड़ी नहीं, पत्रकार है ऑप्शन ए। तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शिव प्रसाद डबराल है इतिहासकार। किस वर्ष में साइमन कमीशन का गठन हुआ? तो ये हुआ था आपका 1927 में। शराब न पिलाए न पिलाए और ना ही उसका उत्पादन करें, निम्नलिखित में से किसका कथन है? महात्मा गांधी, रामास्वामी, इंदिरा गांधी या श्री नारायण गुरु? तो ये है श्री नारायण गुरु का। अकबर ने फरजत की उपाधि किसे दी? बीरबल को, राजा मानसिंह को, मिर्जा अब्दुल रहीम खान खाना को या इनमें से कोई नहीं? तो ये दी थी आपका राजा मानसिंह को। विष्टि शब्द का अर्थ है, विष्टि शब्द का अर्थ क्या है? बलात्श्रम, आयकर, संकटकालीन कर या इनमें से कोई नहीं? तो ये है बलात्श्रम। क्वेश्चन नंबर 18, अपरदन की प्रक्रिया में घोल द्वारा पदार्थ का अवनयन क्या कहलाता है? ये कहलाता है संक्षारण। जल चक्र में वाष्पीकरण से एकदम पहले क्या आता है? तो ये आता है ताप। समुद्र में सर्वाधिक सर्वनिष्ठ लवण क्या है? ये आपका सोडियम क्लोराइड। मानव जीवन में जलवायु की प्रमुख भूमिका किस भूगोलवेत्ता ने जोर दिया? तो ये किया था हंस किटन। चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ है? उदयपुर, एलोरा, खजुराहो, इनमें से कोई नहीं? तो ये है खजुराहो। क्वेश्चन नंबर 23, चोल सम्राटों के अधीन
कुर्रम क्या था? एक जिला, एक नगर, एक प्रांत, कुछ ग्रामीणों का समूह। कुछ ग्रामीणों का समूह। गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? हरिद्वार, मामल्लपुरम, कानपुर या इलाहाबाद? तो यह है मामल्लपुरम। पौधों के लिए अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या है 14, 15, 17, 19। यह है 17। शुष्क मृदा के इकाई आयतन का भार कहलाता है। स्थूल घनत्व, मृदा कणाकार, कर्ण घनत्व या इनमें से कोई नहीं? तो यह आपका स्थूल घनत्व। नई पत्तियों में पीलापन इस तत्व की कमी से होता है। फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, इनमें से कोई नहीं? पोटेशियम। कत्यूरी राजवंश का अंतिम राजा था। कत्यूरी राजवंश का अंतिम राजा था, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29। ध्रुव राज तारा किस दिशा में दिखाई देता है? इनमें से कोई नहीं। उत्तर दिशा में दिखाई देता है ध्रुव तारा। विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। निम्न में से अभ्रक का मुख्य उत्पादन उत्पादक देश कौन सा है? तो अभ्रक का मुख्य उत्पादक देश है भारत। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो यह आपका ताप्ती नदी नहीं बनाती। भारतीय सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए प्रथम भारतीय का नाम बताइए? तो यह आपका गुरुदास बनर्जी। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ये थे आपके जयप्रकाश नारायण। गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये आपका चिपको आंदोलन से। कब से शुरू हुआ था? 1974 से। उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये आपकी हेमा मालिनी। सूची ए को सूची दो से मिलान कीजिए। तो आपका श्री जगन्नाथ जो है वो आपका हो जाएगा पंढरपुर। श्री विट्ठल आपका हो जाएगा, सॉरी आपका श्री विट्ठल है पंढरपुर। श्री जगन्नाथ है आपका पुरी, और रणछोड़ दास आपका द्वारका। लेकिन जो श्री कृष्ण है ये आपका मथुरा में है, यहाँ पे उड़ुपी दिया गया है। तो इसमें से इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 38। सूची ए को सूची दो से मिलान कीजिए। जिम कॉर्बेट आपका हो गया रामनगर। राजा जी हो गया आपका हरिद्वार। सारिका हो गया आपका जयपुर, और कबीनी हो गया आपका मैसूर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान बौद्ध तीर्थ नहीं है? तो बौद्ध तीर्थ जो आपका नहीं है वो है कुंडन ग्राम। मृदा जैवांश में कार्बन की औसत मात्रा होती है? तो ये होती है 58%। बल्ब में रोशनी देने वाला फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो ये बना होता है आपका टंगस्टन का। किस देश ने पहला बीज रहित आम उत्पाद उत्पन्न किया? तो ये आपका किया था भारत ने। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो ये आपका है कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। उत्तराखंड में 5 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है किसके उसमें? तो ये मनाया जाता है सल्ट अल्मोड़ा। इसको महात्मा गांधी ने क्या कहा था? कुमाऊं का बारदूली, कुमाऊं का बारदूली। गढ़वाल का बारदोली, गुजरू, दो पेपर में आ गया है, तो आप ये भी याद कर लीजिए। गांधी जी ने उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा? कौसानी को। 46 है। आटाकाम मरुस्थल किस देश महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। भारत का कौन सा शहर दशहरा उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तो यह मैसूर। सिम का पूरा नाम है उपभोक्ता पहचान मॉड्यूल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग में।
राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जन संस्थान स्थित है? तो ये आपकी है देहरादून में। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ अवस्थित है तिरुपति में। उत्तराखंड राज्य में अधिकतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है? तो ये आपका देहरादून। घोड़ा किस खेल से जुड़ा है? घोड़ा आपका जुड़ा है पोलो से। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन सा कथन सही है? नामकरण किसी बच्चे के नाम पर रखने का सामान्य संस्कार है। उपनयन किसी बालक के प्रथम मुंडन का अवसर है। चौल किसी भाषा के जनेऊ का संस्कार है। अन्नप्राशन वचन धारण करने का अवसर है। तो इसका हो जाएगा नामकरण किसी बच्चे के नाम रखने का सामान्य संस्कार है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? महादेव मंदिर कश्मीर में स्थित है। ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। चित्रकूट मंदिर मध्य प्रदेश में है। रामेश्वरम मंदिर भारत व श्रीलंका के मध्य एक द्वीप पर स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका डी, रामेश्वरम मंदिर भारत और श्रीलंका के मध्य एक द्वीप पर स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गणेश चतुर्दशी आंध्र प्रदेश का सुप्रसिद्ध त्यौहार है। दुर्गा पूजा मुख्यतः तमिलनाडु में की जाती है। ओणम केरल का सबसे बड़ा त्यौहार है। पोंगल कर्नाटक में मनाया जाता है। तो ये जो सही है वो है ओणम केरल का सबसे बड़ा त्यौहार है। उत्तराखंड राज्य का खेल है फुटबॉल, जो 2011 से मनाया स्थापित है, मतलब 11 से हम राजकीय खेल के तौर पे फुटबॉल को जाना जाता है। हरेला क्या है? हरेला एक त्यौहार है। यूके ट्रिपल एस में पूछे गए सवाल। क्वेश्चन नंबर 59, शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ स्थित है? तो ये आपका जोशीमठ में। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के प्रथम कवि सुमित्रा नंदन पंत 1968 में प्राप्त किया था चितंबरा में। किस में मिला था इनको? चितंबरा के लिए, चितंबरा के लिए। निम्नलिखित में से किसका यूरो मुद्रा बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? तो यह पड़ता है विश्व की अंकित मुद्रा आपूर्ति में कमी। श्रम शक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त मद मिलान कीजिए, मिलान करें। कार्य बल, रोजगार प्राप्त और बेरोजगार, सभी शिक्षित, सभी ग्रामीण कार्यकर्ता। तो इसका हो जाएगा आपका रोजगार प्राप्त और बेरोजगार। संघ बजट में प्रभावी राजस्व घाटा प्रत्यय का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया 2011 और 12 में। किस परिकल्पना के अनुसार उपभोक्ता अप्रत्यावर्तनीय है? तो ये आपका सापेक्ष आय परिकल्पना। निम्नलिखित में से व्यापार चक्र का कौन सा मॉडल व्यहरुद चक्रों को उत्पन्न करता है? तो ये करता है हिक्स मॉडल। निम्नलिखित में से किस योजना में उच्चतम वृद्धि दर देखने में आई है? 10वीं योजना। डीआरडीए किस स्तर पर कार्य कर रही है? जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर या राज्य स्तर पर? तो ये कर रही है आपका जिला स्तर पर। वर्ष 2011 में इप्सा का पांचवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था प्रिटोरिया में। और उत्तराखंड का पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ आपका देहरादून में। निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अन्नामुदई, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, धूपगिरी। तो ये हो गई आपकी अन्नामुदई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कितने देशों का एक संगठन है? तो ये आपका 188 देशों का। निम्न में से कौन सी स्थिति न्यूनतम लागत आउटपुट संयोजन बताती है? तो ये बताती है पीएल अपॉन पीके इक्वल्स टू एमपीएल अपॉन एमपीके। ये कनिष्ठ सहायक के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मांग वक्र जो क्षैतिज अक्ष के समांतर है और मात्रा दर्शाती है कि कीमत लोच निम्नलिखित के बराबर होती है? तो ये होती है अनंत। हेजिंग का तात्पर्य क्या है? हेजिंग का तात्पर्य है
विदेशी विनिमय जोखिम की स्वीकार्यता, विदेशी विनिमय जोखिम की कवरिंग, विदेशी विनिमय परिकल्पना या विदेशी विनिमय विवाचन। तो ये आपका विदेशी विनिमय जोखिम की कवरिंग। SDR की यूनिट को मूल रूप से किस रूप में नामित किया गया है? ये किया गया है 1 US डॉलर के समतुल्य स्वर्ण मूल्य। रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुई? तो ये हुई थी आपकी महाराष्ट्र में। मानक दूध में SNF की मात्रा निम्न होनी चाहिए, 8.5%, 6.5%, 7.2% या इनमें से कोई नहीं। तो ये होनी चाहिए 8.5%। मानव भ्रूण की समयावधि है, तो यह है 2 से 8 सप्ताह। 2001-11 अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक घातांकीय वृद्धि है, तो यह है 1.64। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का निम्नतम घनत्व है? तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश। और अधिकतम घनत्व का है वो है बिहार। उत्तराखंड राज्य में निम्न में से कौन सा हाथ का आभूषण है? तो हाथ का आभूषण है आपका गूंठी। ट्रक फार्मिंग का संबंध है, ट्रक फार्मिंग गन्ने से, गेहूं से, रबड़ से, सब्जी से। तो ये आपका सब्जी से। क्वेश्चन नंबर 82, कौन सा रोग प्रवर्जन द्वारा प्रभावित नहीं होता? तपेदिक, HIV, मलेरिया, कैंसर। तो यह है कैंसर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवर्जन आजकल निम्नलिखित में से एक रोग के साथ संबंधित किया जाता है, डेंगू, मलेरिया, सार्स, मधु। तो यह है सार्स। जलवायु परिवर्तन पर अंतिम पिछला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह किया गया कोपनहेगन में। दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला रेगिस्तान है? तो यह आपका थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। DNA के डबल हेलिक्स मॉडल को पहली बार प्रस्तावित किया था? तो ये किया था वॉटसन और क्रिक ने। क्लोरोफिल में होता है लोहा, कॉपर, मैग्नीशियम या मैग्नीज। तो इसमें होता है मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 88, भूमिगत जल के गैर जैविक प्रदूषक हैं? तो ये है आपके ऑर्सेनिक। महात्मई में का पर्यायवाची है, महात्मा, ऋषि, ज्ञानी, महिमा। तो यह है आपका महिमा। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऋषि का विपरीत शब्द है मुनि, संसारी, योगी या आरक्त। तो यह है आपका संसारी। विभत्स रस का स्थाई भाव कौन सा है? भय, क्रोध, जुजुक्सा या शोक। तो यह आपका जुजुक्सा। निर्वासित में प्रत्यय है, निर्वासित में प्रत्यय है इक, नी, इत, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें है इत। ओजस्वी का विलोम शब्द होगा मंद, कायर, निस्तेज, भीरु। तो ये होगा निस्तेज। जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका क्या होगा? कवि निरंकुश होता है, कवि के लिए कुछ भी अगम्य नहीं, कवि कल्पनाशील होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि के लिए कुछ भी अगम्य नहीं। क्वेश्चन नंबर 96, 4 है 64, तो 6 से क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 4 × 4 × 4 = 64। तो वैसे ही हो जाएगा 6 × 6 × 6 = 216। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 216। क्वेश्चन नंबर 97, 30 लड़कियों की एक पंक्ति में शिवानी अपने मूल स्थान से 6 स्थान बाईं ओर खिसकती है, तो बाएं से उसका स्थान 8वां है। उर्वशी का दाएं से क्या स्थान होगा यदि उर्वशी का मूल स्थान शिवानी के मूल स्थान से 4 स्थान दाईं ओर हो? तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97, बाएं से शिवानी की मूल स्थिति बराबर बाएं से शिवानी की नई स्थिति प्लस 6। तो
ये हो जाएगा मूल स्थिति 8 में थी, उसमें 6 जोड़ दिया तो 14 आ गया। उसके बाद बाएं से उर्वशी की स्थिति इक्वल्स टू बाएं से शिवानी की मूल स्थिति +4, तो मूल स्थिति शिवानी की 14 हो गई, उसमें 4 जोड़ा तो ये हो गया 18। अब लड़कियों की कुल संख्या 30 दी गई है, बाएं से उर्वशी की स्थिति प्लस दाएं से उर्वशी की स्थिति -1 इक्वल्स टू 30, तो 18 प्लस दाएं से उर्वशी की स्थिति -1 इक्वल्स टू 30, तो 17 प्लस दाएं से उर्वशी की स्थिति इक्वल्स टू 30, दाएं से उर्वशी की स्थिति इक्वल्स टू, ये यहाँ जाएगा 17 आपका यहाँ माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 -17। दाएं से उर्वशी की स्थिति कितनी होगी 13, इसलिए दाएं छोर से उर्वशी की स्थिति हो गई आपकी 13, सही उत्तर हो जाएगा 13। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 13। क्वेश्चन नंबर 98, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, यह आपका वो बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है, ठीक हो गया, यहाँ की ओर है मुंह। वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, वह यहाँ से 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो आ गया आपका यहाँ पे, वह फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो यहाँ से आपका 180 डिग्री कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया। उसके बाद वह 315 डिग्री वामावर्त घूमता है, वामावर्त घूमा तो आपको 180 यहाँ पे आया, 315, 315 वो आपका कहाँ पहुँचेगा, 100 ईस्ट पे, ईस्ट तो ऑप्शन ही नहीं है। एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो ये ऐसा होगा वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, यहाँ पे वो 45 डिग्री इधर घूमा, दक्षिणावर्त इधर हुआ। उसके बाद वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो वह 180 डिग्री यहाँ यहाँ पे पहुँचेगा, 180 डिग्री यहाँ पे पहुँचेगा। तदुपरांत 315 वामावर्त घूमता है, अब वो वामावर्त घूम रहा है, तो 180 तो यहाँ से यहाँ तक आया, उसके बाद यहाँ से 315 तक वो दक्षिण में पहुँचेगा, कहाँ पहुँचेगा, दक्षिण में, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दक्षिण। एक और बार आपको समझा देता हूँ, कन्फ्यूज मत होना, ये हो गया आपका यहाँ पश्चिम वेस्ट की ओर है, ईस्ट नॉर्थ साउथ, पहले वो 45, ये इन दोनों के बीच 90 का एंगल होगा, तो 45 सेंटर में होगा, तो यहाँ पे से वो फिर 180 घूम रहा है, तो यहाँ से 180 यहाँ पे होगा, क्योंकि 45 ये, 45 ये, मतलब 45 ये, 90 ये और 45 ये, तो यहाँ से यहाँ 180 हो जाएगा। उसके बाद अब वामावर्त घूमना है, तो वामावर्त उसका यहाँ से लेके यहाँ पे आपका 315 आएगा, 315 डिग्री, तो यहाँ पे आपका दक्षिण ऑप्शन राइट हो जाएगा। 30 मिनट में घड़ी की घंटे वाली सुई कितने अंश घूम जाएगी, तो वो 15 डिग्री घूम जाएगी। एक विशिष्ट कोड भाषा में रोड्स को 57 तथा हॉर्न को 55 लिखा जाता है, इस कोड भाषा में ब्लो को क्या लिखेंगे, तो ये आपको मैं करके बताता हूँ। तो पहले ABCD लिख लेंगे आप ऐसे करके, उसके बाद उसमें नंबर वाइज डालेंगे, तो R को आप R रोड, R 18 हो गया, ओ आपका 13 हो गया, 15 हो गया ओ आपका, और ए हो गया आपका 1, डी हो गया आपका 4, और एस हो गया आपका 19, तो इन सबको ऐड करेंगे तो 57 आएगा, इन सबको ऐड करके। उसके बाद वैसी हॉर्न है, हॉर्न का एच है 8, वेरी जेट, एच हो जाएगा 8, ओ हो जाएगा आपका 15, 18 हो जाएगा आपका R, और N हो जाएगा आपका 14, तो इन सबको ऐड करके 55 आएगा, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब आपको बताना है ब्लो का क्या होगा, तो ब्लो का आपका हो जाएगा B का 2,
एल का हो जाएगा आपका 12, ओ का हो जाएगा आपका 15 और डब्ल का हो जाएगा आपका 23। तो इन सबको ऐड करके कितना आ जाएगा 52। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 52। तो यहाँ पे आपके प्रैक्टिस सेट ख़त्म होता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा हो, और आप कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो मैं आपके लिए किस सब्जेक्ट पे बनाऊं। अगर आप चाहते हैं उत्तराखंड के लिए कुछ लाना है तो आप कमेंट में बताएं, या फिर हिंदी में आपको मुहावरे लोकोक्ति में दिक्कत आ रही है, या पॉलिटी में आपको अनुच्छेद याद करने में दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।